नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फिटनेस रा गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आसंत जानिबा एही पांचटी खाद्य केबे एकाठी करी मिसाई खातु ना शरीर पई होई पारे विष। तबे वीडियो टी संपूर्ण देखिया पूर्व प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखर रे सथ बेल आइकन टी को बजाई दियंतु। दर्शक बंधु, आयुर्वेद रे सबबेले उत्तम खाद्य खाइबा को गुरुत्व दिए जाय थाय। जेहेतु आयुर्वेद को एक सुस्थ जीवनशैली एवं खाद्यपेय बेचित कराए, यह सबुबले विषाक्त पदार्थ मुक्ति पाइबापी अनेक उपाय जहाँकि मनीष जीवन प्रत्येक दिन खाद्यपेय सहित जड़ित। तेज खाद्यपेय अनेक जिनस देवाक पड़े। अनेक समय कि लोक अनेक खाद्य मिसाई खाई था जहाँकि भूल, यह खावा द्वारा हजम प्रक्रिय प्रभावित होता है। प्रथम कदमी क्षीर, यह दुईट खाद्य शरीर पर खूब भल। शरीर में मोटाबोलिज्म वृद्धिपाई कदमी और क्षीर सर्वोत्तम खाद्य, किंतु जितेबले मिलित भाव ग्रहण कराए यह विषाक्त पदार्थ सृष्टि करे जहाँ काश, थंडा, आलर्जी और संक्रमण भाई समस्या सृष्टि करें। होता खराब पदार्थ शरीर मुख्य अंग गुड़ी को मोटाबोलिज्म धीरे धीरे प्रभाव पकाइ थाए। आयुर्वेद अनुजाई आपण को यह खाद्य दूरे रहा आवश्यक जहाँ आपण को असुस्थ करें। द्वितीय छेना पनीर और दही, जदियो उभय दुग्धर उत्पादित हुए और यार प्रक्रिया अलग, किंतु यह मिश्रण करने द्वारा अनेक असुविधा हुए, तेज आप छेना दही और पनीर अलग भाव खाइबा उचित। आयुर्वेद दाबी करी पनीर और दही एकाठी खाइबा आप शरीर में कफ दोष बढ़ाई थाए। कफ रु निश्वास नेबारे असुविधा हुए, यह हजम प्रक्रिया को प्रभावित करें, तेणु यह मिसाई खाइबा अनुचित। तृतीय तरभुज सहित सेव, यदि आपण तरभुज फल खाइबा चाहती तेज तरभुज को अन्य कौन फल सहित खातु ना। डाक्तर अनुजाई तरभुज जल मात्रा अधिक थपल पर बलिष्ठ फल सहित मिसाई खाइले हजम हो पारे ना। चतुर्थ फल और पनीपरिया, आयुर्वेद अनुजाई फल और पनीपरिया एकाठी खाइबा अनुचित, कारण फल मीठा स्वाद द्वारा पनीपरिया हजम होगा कष्टर हो पारे। पंचम आलु एवं अंडा, प्रायत लोक अंडा सह आलु मिसाई खाई था, किंतु यह शरीर पर विपद होता है। आलु स्ट्राकिंग एवं अंडा प्रोटीन युक्त थाए, स्ट्राकर कार्बोस थाए जहाँ शरीर में प्रोटीन ग्रहण को धीर करें, तेणु यह एकाठी खाइबा मना। तेज दर्शक बंधु, आगे कोई वर्ष फिटनेस वीडियो देखापी चाहते हैं आम चैनल को जमी सब्सक्राइब करूँ। जब वीडियो भल लगे लाइक कमेंट सेयार निश्चिंत करूँ। से पर्यटन मुँह रही, नमस्कार।